फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई बैंक का चौथे क्वार्टर्स का रिजल्ट 24 अप्रैल को आने वाला है। तो जो लोग इसमें पोजीशन बनाकर बैठे हैं या फिर पोजीशन बनाना चाहते हैं, उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसके अलावा कैसे रिजल्ट आए तो अच्छे मानने चाहिए, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल सबसे पहले शेयर पर बात करें तो फ्रेंड्स, ये शेयर 680 के आसपास के 52 वीक के हाई लगाकर अभी 550 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जो कोरोना वायरस की जो दोबारा रैली आई उसकी वजह से जो बाज़ार में प्रेशर दिखा उसका सबसे बड़ा इफेक्ट बैंकिंग स्टॉक में देखने को मिला और इसी वजह से ऊपरी लेवल पर ये शेयर घट गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी अनुमान है उस लिहाज से अगर नतीजे आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि शेयर पर कोई नेगेटिव इफेक्ट आने वाला है, और मुझे तो उल्टा ऐसा लगता है कि यहाँ से शेयर में पॉजिटिव ही इफेक्ट देखने को मिलेगा अगर रिजल्ट एस्टिमेट के आसपास आए तब भी। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, यहाँ आपके लिए मैं दो ब्रोकर्स के रिजल्ट लाया हूँ, अनुमान लाया हूँ, जो कि एक है शेर खान और है प्रभुदास लीलाधर। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, सबसे पहले शेर खान की बात करें तो उसका ऐसा मानना है कि नेट इंटरेस्ट इनकम 10,205 करोड़ रह सकती है, जो कि पिछले क्वार्टर में 9,912 करोड़ थी, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और साल दर साल भी बढ़ने का ही अनुमान है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा प्रॉफिट प्री प्रोविज़न प्रॉफिट यानी कि जो प्रोविज़न बनाने से पहले जो प्रॉफिट है वो इस बार 8,813 करोड़ रह सकता है, जो कि पिछले क्वार्टर यानी कि दिसंबर क्वार्टर से हल्का सा गिरेगा और साल दर साल 19% के आसपास की जंप दिखाने का इस बार अनुमान लगाया जा रहा है। और फ्रेंड्स, प्रॉफिट 300% से ज़्यादा की जंप दिखा सकता है, जो कि पिछले साल मार्च क्वार्टर में 1,221 करोड़ था वो बढ़कर 5,100 करोड़ के आसपास आ सकता है, ऐसा मानना है। तो फ्रेंड्स, पिछले बार इतना कम प्रॉफिट क्यों था? तो फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हो जो प्री प्रोविज़न प्रॉफिट था यानी कि प्रोविज़न बनाने से पहले बैंक ने 7,390 करोड़ का प्रॉफिट करा था, मगर उसमें से 6,000 करोड़ का प्रोविज़न बनाना पड़ा था क्योंकि पिछली बार मार्च में ही कोरोना गया था। तो इस बार ऐसा मानते हैं कि यहाँ जो प्री प्रोविज़न प्रॉफिट 8,813 करोड़ आ सकता है, यहाँ पर पिछले बार जितना प्रोविज़न नहीं बनाना पड़े इसी वजह से प्रॉफिट अच्छा आने की उम्मीद है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा प्रभुदास का एस्टिमेट देखें तो उसका ऐसा मानना है कि नेट इंटरेस्ट इनकम 10,297 करोड़ रह सकती है, जो कि पिछले क्वार्टर में 9,912 करोड़ थी। तो उनका भी ऐसा ही मानना है कि नेट इनकम बढ़ेगी और उसका ऐसा मानना है कि प्रॉफिट 4,946 करोड़ के आसपास आ सकते हैं, जो कि पिछले क्वार्टर्स की अगर बात करें तो 4,940 करोड़ था। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, हम शेर खान का प्रॉफिट का आंकड़ा याद रखेंगे 5,100 करोड़ का, अगर ऐसा प्रॉफिट आता है तो ये नतीजे बहुत ही शानदार मानने चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके लिए जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए लाया हूँ ये क्या है? तो फ्रेंड्स, जो सुप्रीम कोर्ट ने कोविड वाला एनपीए डिक्लेयर नहीं करने को बोला था, ये वो एनपीए के फिगर है जिस जो आईसीआईसीआई बैंक ने पिछली बार दिसंबर क्वार्टर में अलग से बताए थे। तो फ्रेंड, इससे नीचे अगर ग्रॉस एनपीए का फिगर आता है तो वो बहुत ही अच्छा मानना चाहिए, और नेट एनपीए का फिगर 1.26% से नीचे आता है तो ग्रॉस एनपीए का फिगर बहुत ही शानदार मानना चाहिए। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हो और रिजल्ट आए तो इन इन बातों को ध्यान में रखना होगा।